हेलो प्यारी जनता, कैसे हैं आप लोग? प्यारी जनता तो ठीक है, भोली जनता तो नहीं हो सकती है मेरी वाली ये, क्योंकि अच्छे खासे धमाल मचा रखे हैं आप लोगों ने, बहुत अच्छे वाले धमाल मचा रखे हैं। और आज का जो हॉट टॉपिक हम लोग लेके आए हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है इस टाइम पर, और आप लोगों को शायद पता भी होगा। यस, मिस्टर रणबीर सिंह। उनका लेटेस्ट फोटोशूट बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि वो फोटोशूट उन्होंने क्यों कराया है? तो बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं जिससे उनके बारे में मार्केट में बातें चलती रहें, और उनकी जो मूवीज़ अगर आती हैं तो उनको लोग देखने जाएँ। भले ही उन मूवीज़ में कुछ है या नहीं वो मैटर नहीं करता, बस हाँ उनको न्यूज़ में रहना है ताकि उनकी मूवीज़ को लोग थोड़ा सा देखें। एटलीस्ट कॉस्ट तो निकलनी चाहिए ना, इसलिए कुछ तो करेंगे। अब चाहे उसके लिए कपड़े उतारने पड़ जाए उनको बिल्कुल। मस्त प्लानिंग। अब जब ये कपड़े निकल ही गए हैं इनके, तो अब ये सोचने वाली बात है कि इनके इस कपड़े निकलने के बाद में लोगों के रिएक्शन कैसे कैसे होने चाहिए। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा जो फीमेल्स की एक कोई कंप्लेंट इसके अगेंस्ट रजिस्टर हो चुकी है, जिसमें कुछ सेंटिमेंट्स हर्ट से वो बहुत सारी चीज़ें नोटिस कराई गई हैं। उसके अलावा इनके पर्सनल पर्सनल कौन से पर्सनल होंगे यार, वैसे मुझे नहीं लगता कि दीपिका पादुकोण को कोई फ़र्क पड़ा होगा। क्योंकि अगर फ़र्क पड़ना ही होता तो शायद वो फोटोशूट करवाने भी नहीं देती। बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके रिजेक्शन शायद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, या हो सकते हैं, जस्ट लाइक करण जौहर। उसकी तो लॉटरी लग गई होगी, वो तो एक बार के लिए फोटो सारे के सारे अलग से सेव करके बैठा होगा शायद। अगर किसी की लॉटरी लगे या किसी को शॉक लगे या किसी के ऊपर कंप्लेंट फाइल हो, अपने को क्या है? ये लोग ऐसे उल्टे उल्टे कारनामे करेंगे, अपने को अपना एक वीडियो बनाना है इसके लिए, क्योंकि यही लोग न्यूज़ हैं यार, इन लोगों को से ही न्यूज़ बन रही है। इन लोगों की बस की अब आज के टाइम में वो एक्टिंग स्किल्स या दूसरी चीज़ें तो रह नहीं गई हैं, तो एक कंप्लीट जो छिछोरापन है वही दिखाएंगे। सोसाइटी में वैसे भी कपड़े कम उतर रहे थे पहले, अब इन्होंने पूरे उतार दिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कल को ये ऐसे वॉक करने लग जाएं, इनके ऊपर कोई एक्शन ना हो, आप कहीं भी देखिए इन सब चीज़ों के लिए यार इंडिया में कहाँ इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो आप। इंडियन कल्चर की बैंड बजा चुके हो धीरे धीरे। बीच में एक ट्वीट मैंने पढ़ा था, शायद कंगना रनौत के नाम से था, आई एम नॉट श्योर कि ये लोग कैसे इतनी हिम्मत करते हैं पोस्ट करने की। वो फेक अकाउंट था या ओरिजिनल था, मैं इसके पीछे नहीं गया जानने के लिए, क्योंकि ये सब मेरा काम नहीं है। सो जस्ट वहाँ एक ट्वीट कंगना रनौत के नाम से था। बॉलीवुड की जो एक्ट्रेसेस हैं इन्होंने हिंदुस्तान की बेटियों को न्यूट कर दिया, कहीं ना काइंड ऑफ नंगा कर दिया कि उनके फैशन सेंस की वजह से। अब आप ये सोचो यार, ऐसे ऐसे लोग अगर ये ट्वीट करेंगे जो खुद पता नहीं कितने, बोलना नहीं चाहिए मुझे, उनको खुद को पता है कि उन्होंने किस किस टाइप के रोल किए हैं ऑन स्क्रीन और कितने अच्छे कपड़े पहन के किए हैं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो बॉलीवुड में अगर आप लोग हो और एक दूसरे की खिंचाई अब इस तरह से कर रहे हो, यू वोंट बिलीव उस ट्वीट के ऊपर कंगना रनौत को यूजर्स ने जिस तरह ट्रोल किया। इस ट्वीट के बाद में कंगना रनौत के ही बिकिनी पोजेज, बिकिनी में शूट्स, पता नहीं क्या क्या यूजर्स ने फेंक के मारा उसको। लोगों को फिर भी इनको समझ नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि इनको सिर्फ न्यूज में बने रहना है, तो न्यूज में बने रहने के लिए ये लोग नंगे होंगे, कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे। इट्स लाइक आपने शायद पहले कभी कॉन्ट्रोवर्सी इसकी सुनी होगी, महेश भट्ट पूजा भट्ट वाली, तो ये लोग न्यूज में बने रहने के लिए कुछ भी करते हैं।
जब भी इनको लगता है कि इनके मार्केट खत्म हो रहे हैं, इनके मार्केट्स डाउन हो रहे हैं, तो ये लोग न्यूज़ में आने के लिए, न्यूज़ में रह जाने के लिए, अपनी मूवीज़ को प्रमोट कराने के लिए या अपनी ब्रांड इमेज बनाने के लिए नंगे तक हो जाएंगे। इन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी क्या एक्सेप्ट करेगी क्या नहीं करेगी, सोसाइटी में हमें किस तरह से मैसेज लीड कराना है, किस तरह लीड नहीं कराना है, इन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ अपना नेम, फेम, अपना पैसा चाहिए। सो प्लीज़ इन लोगों के पीछे ज़रा भागना कम कीजिए और आप अपना खुद का दिमाग लगाइए फैशन के नाम पे। ठीक है, मैं ये नहीं कहता आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए ये सब चीज़ें, फैशन है ठीक है कीजिए, बट चक्कर में फैशन मत कीजिए। मैं सिर्फ ये बोलूँगा, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बैंड बजा रखी है।